सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज के हम बात करने वाले जो 2.8 का अपडेट यहाँ पे बीजेएमआई में आने वाला कुछ दिनों बाद, तो उसमें कौन कौन से नई नई चीज़ें आने वाली, न्यू सुपरकार, न्यू इवेंट और भाई बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर लास्ट तक वॉच करना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख सो, तो हम लोग को जैसे यहाँ पे 2.8 का अपडेट आएगा तो उसमें हम लोग को जॉम्बी ट्रेजर करके एक बहुत सब तो न्यू इवेंट आने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे इवेंट होने वाला है। तो बोल सकते हो इसमें काफ़ी अच्छे खासे आपको चीज़ें, आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एक पॉपुलरिटी टाइप का यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्टिकर, तो इसको देख सकते हो मिलेगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो देख सकते हो 50 पॉइंट जैसे आप लोग कलेक्ट करो तो जो एजी हम लोग को कूपन है तो वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो सप्लाई कूपन है, उसके बाद देख सकते हो कुछ यहाँ पे जॉम्बी गिफ्टेड करके कुछ यहाँ पे मतलब कि और भी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। मतलब बहुत सो तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आपको एजी कूपन्स, क्लासिक कूपन्स और भाई यहाँ पे जो सप्लाई कूपन्स है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सो तो कुछ यहाँ पे पॉपुलरिटी वगैरह हैं, तो देख सो तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वाले इवेंट में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देख सो तो इसमें हम लोग को एक हेडगियर देखने को मिल जाएगा, बहुत सो तो एक मतलब कि ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने में लगता है। उसके बाद देख सो तो कुछ पॉपुलरिटी, उसके बाद यहाँ पे जो क्लासिक है स्क्रैप्स कूपन है तो साथ में मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें देखने को मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट बात ये कि हम लोग को इसमें एक परमानेंट आउटफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो देख सो तो ये वाला आउटफिट कुछ इस टाइप से इसका लुक वगैरह आता है, जो कि ब्लैक एंड रेड कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला बहुत सो तो हम लोग को लेजेंडरी वाला आउटफिट होने वाला, तो ये हम लोग को फाइनली बहुत सो तो इसी इवेंट में आएगा, जो कि सभी बंदों के यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ये वाला आउटफिट मिलने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई ये वाला जो आउटफिट आपको कैसा लगा। तो देख सो तो कुछ स्टेप से होने वाला। बाकी इसके मिशन की बात करें तो ज़्यादा कुछ हार्ड मिशन वगैरह नहीं होने वाला, बस इसमें लॉगिन करना है, उसके बाद 100 डैमेज करना है, कुछ एनिमी आपको किल करने हैं, 3 मैचेस कंप्लीट करने हैं। मतलब इजी आपको मिशन इसमें मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। एक ही दिन में जैसे यहाँ पर 2.8 का अपडेट आता है तो जैसे ये मिशन आएगा तो आप लोग एक ही मतलब कि बहुत सकते मैच में यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो 200 यहाँ पर मतलब कि यूसी आपको परचेस करनी पड़ेगी, उसके बाद 1000 डैमेज करना पड़ेगा जो जॉम्बी होंगे ना, तो उन जॉम्बी को मारना पड़ेगा, उसके बाद 7-8 जॉम्बी और मारना पड़ेगा। तो इसी तरह जैसे छोटे छोटे मिशन है, जैसे जैसे आप लोग मतलब कि जॉम्बीज वगैरह मारोगे 100 मिनट से यहाँ पे कंप्लीट करोगे, तो ये वाला जो आपका पॉइंट्स है तो ये कलेक्ट होता रहेगा, और यहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री में यहाँ पे रिवॉर्ड वगैरह लेते रहोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो आपका फ्रेंड का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, जो फ्रेंड ज़्यादा यहाँ पे जॉम्बी वगैरह मारता है, तो ये वाला बहुत सारे इवेंट हम लोग 2.8 के अपडेट में देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो। बाई 2K फैमिली इसी मंथ में क्रॉस करना है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो आप लोग, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग को न्यू सुपर कार आने वाली है डॉस की, तो देख सो तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसका लुक होने वाला है, जो कि पहले हम लोग को बहुत सो तो एक फायर एंड ब्लैक कलर में कुछ इस टाइप से इसका लुक वगैरह होने वाला है, जो कि बहुत सो तो काफ़ी एक अच्छा खासा यहाँ पे लुक देती है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये वाली सुपर कार देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सेकेंड वाली जो डॉस वाली है तो ये बहुत सो तो हम लोग को पर्पल कलर में आने वाली है, नॉर्मल सी स्किन है, ज़्यादा कुछ मतलब कि इसमें मॉडिफाई नहीं है, पर यहाँ पर नॉर्मल स्किन भी काफ़ी अच्छी खास लग रही है। तो ये हम लोग को कूप आरबी की स्किन होने वाली है, तो देख सो तो उसके बाद देख सो तो यहाँ पर जो हम लोग को US है, तो US की स्किन देख सो तो पूरा यहाँ पर रेड कलर में आने वाली, जो कि काफ़ी एक अच्छा खासा लग रही मतलब देखने में लग रही है। वो देख सो तो काफ़ी एक मतलब शाइनिंग यहाँ पे मतलब लुक दे रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये वाला कैसी लगी। उसके बाद बहुत सो तो एक ब्लैक कलर में हम लोग को यहाँ पे बहुत सो तो जो डासिया है ना, तो डासिया की स्किन हम लोग को देखने को मिल जाएगी, जो कि देख सो तो कुछ इस टाइप से इसका भी लुक वगैरह आता है, जो कि ब्लैक एंड बहुत सो तो इसमें रेड पट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत सो तो काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को इवेंट आने वाला है डॉस का सुपर कार का, तो देख सो तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देख सो तो एक हम लोग को येलो कलर में आने वाली है, सो ये वाली जो सुपर कार है तो ये हम लोग को बहुत सोते US के होने वाली है। उसके बाद इसी में कुछ हम लोग को आउटफिट वगैरह आने वाले हैं, तो देख सो तो आउटफिट कुछ इस टाइप से लुक वगैरह होने वाला है। उसके बाद जो M60A आने वाली है, तो M60A का देख सो तो कुछ इस टाइप से लुक होने वाला, बहुत सो तो पर्पल एंड बहुत सो तो पिंक कलर में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ये काफ़ी सही लगती है। उसके बाद हेलमेट की स्किन की बात करें तो हेलमेट की स्किन देख सो तो कुछ इस टाइप से इसमें देखने को मिल जाता है, तो ये वाली हेलमेट की स्किन आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इसका लेवल 1 देख सो तो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, बाकी लेवल 2 देख सो तो लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, आगे आपको एक ग्लास देखने को मिल जाता है। बाकी लेवल थ्री देख सो तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लुक दे रहा है। सो आप मुझे कमेंट करके बता सो तो ये वाला जो सुपर कार का इवेंट आने वाला, तो ये आपको कैसा लगा। तो अभी तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है फैमिली जल्दी से आप लोग करा दो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लासिक रेट आने वाली है, तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे भाई क्या क्लासिक रेट में हम लोग को M4 ग्लेशियर आने वाली है या फिर नहीं आने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासिक रेट जो हम लोग को इस नेक्स्ट वाली आने वाली है, तो उसके रिवॉर्ड देख सकते हो ये वाला आउटफिट साथ ये वाला हेडगियर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये वाला हेडगियर देख सकते हो, उसके बाद ये वाली आउटफिट, तो इस वाले आउटफिट का पूरा यहाँ पे सेट होने वाला लुक वगैरह देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लुक दे रहे। पर इसमें एक चीज़ दिक्कत है भाई, कोई भी यहाँ पे इन्होंने मतलब मिथिक आउटफिट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं
नहीं दिया है, तो भाई कुछ तो यहाँ पे मिथिक आउटफिट देना चाहिए। मतलब भाई क्या ही, मतलब बीजमाई वालों को क्या ही बोले। मतलब क्लासिक और प्रीमियम कैरेट, भाई प्रीमियम कैरेट तो सही है, उसमें मिथिक आउटफिट आता है, पर यहाँ पे जो हम लोग क्लासिक कैरेट तो उसमें नहीं है। उसके बाद देखो तो MK47 के जो स्किन है, तो फाइनली ये भी हम लोग को यहाँ पे कम बैक करने वाला है, तो देख सकते कुछ स्टेप से होने वाला है। बाकी DP की बात करें तो DP की स्किन देख सकते हो ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल काफ़ी सही नंबर बहुत सो, तो काफ़ी नॉर्मल से यहाँ पे स्किन वगैरह आने वाली है। उसके बाद जो क्रोबार की स्किन है, तो क्रोबार की स्किन भी देख सकते हो फाइनली हम लोग को यहाँ पे आने वाला है, जो कि पूरा यहाँ पे रेड कलर में होने वाला। बाकी जो इसमें बैकपैक आने वाला है, तो उसका Level 1 देख सकते हो कुछ स्टेप से देखने को मिल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये वाला जो बैकपैक है तो आपको कैसा लगा। तो Level 1, Level 2 और यहाँ पे जो Level 3 है, तो तीनों लेवल्स देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और सबसे बेस्ट बात ये कि जो 3 सीटर हम लोग को बाइक की स्किन है तो वो आने वाली है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो M4 ग्लेशियर, तो क्या अपने VGMI में आ रही है या फिर नहीं आ रही? तो भाई अभी तक देखो यहाँ पे जो M4 ग्लेशियर है ना, तो अभी तक कोई भी यहाँ पे VGMI ने हिंट नहीं दिया कि भाई हम लोग यहाँ पे M4 ग्लेशियर आ रही है या फिर नहीं आ रही। देखो अभी तो नहीं आएगी, पर इतना मैं बोल सकता हूँ जैसे यहाँ पे 2.9 का अपडेट आएगा तो उसमें बहुत सोते हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग को बहुत सोते एक इवेंट आने वाला समर करके, तो उसमें हम लोग को शायद M4 ग्लेशियर देखने को मिल जाए। बाकी अभी तो 2.8 के अपडेट में आपको कहीं पर भी मतलब किसी भी इवेंट या क्लासिक रेड में नहीं देखने को मिलेगी। तो भाई थोड़ा सा आप लोग सस्पेंस रखो, बहुत ही जल्दी बहुत सोते हम लोग को जो यहाँ पे आने वाली है तो M4 ग्लेशियर बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को जो मिथिक फॉज आने वाला है, तो चलो सिंपली उसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो जो जॉम्बी वाली हम लोग को एक डासिया आने वाली है, तो सबसे पहले वो देख सकते हो। तो इसका जो बेसिक अपीयरेंस है तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसे अभी यहाँ पे जो सुपर कार को हम लोग को लेवलअप करना पड़ता है, तो इसको भी आपको लेवलअप करना पड़ेगा। तो इसका जो सेकंड लेवल एडवांस फॉर्म है, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि जॉम्बी करके यहाँ पे कुछ नेम होने वाला है। बाकी इसका जो एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट है तो काफ़ी एक अच्छा खासा यहाँ पर लुक देता, पूरा ग्रीन एंड पंपकिन इसमें बन के आता। बाकी फाइनल फॉर्म की बात करें तो फाइनल फॉर्म पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसका लुक वगैरह आता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। तो बहुत सो तो जॉम्बी के जैसे इवेंट आता है तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पर 2.8 के अपडेट में ये वाली जो बहुत तो डासे की स्किन है, तो ये हम लोग को ओवरऑल फाइनली इसका बहुत सो तो टेक्चर वगैरह आ जाएंगे और ये हम लोग को फाइनली यहाँ पे 2.8 के अपडेट में देखने को मिल जाएगी। सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाली जो सुपर कार है तो ये वाली सुपर कार आपको कैसे लगी। उसके बाद जो मिथिक फॉज आने वाला, तो उसमें कौन कौन से यहाँ पे आउटफिट आने वाली वो भी बताऊंगा, और मिथिक फॉज के जो आउटफिट आएंगे उसको फ्री में कैसे लेना साथ में वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो जो हम लोग को मिथिक फॉज में यहाँ पे आउटफिट आने वाली है, तो 4 यहाँ पे आउटफिट आएंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग को ग्लेशियर सेट है, ये तो फाइनली हम लोग को कम बैक कर रहा है, जो कि बहुत सोते मिथिक आउटफिट होने वाला, जो कि काफ़ी एक अच्छा खासा यहाँ पर लुक देता है। बाकी इसी के साथ जो हम लोग को पैन और जो हम लोग को ग्लेशियर वाली पैन है, तो ये भी पैन हम लोग को फाइनली यहाँ पे कम बैक करने वाली है। तो बहुत सोते BGMI का फर्स्ट यहाँ पे जो हम लोग को बहुत सोते मिथिक फॉज का स्पिन आने वाला पहली बार। उसके बाद जो हेलमेट है, तो हेलमेट देख सकते हो भाई क्या ही OP टाइप का लग रहा है, पूरा यहाँ पे सेट जो है ना लिटरली काफ़ी एक अच्छा खासा यहाँ पे लुक देता है। तो सब चलो सिंपली इसका लेवल अप दिखा देता हूँ कितने लेवल, मतलब कि फर्स्ट लेवल देख सकते हो कुछ स्टेप से इसको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। बाकी सेकंड लेवल पर देख सकते हो कुछ स्टेप से, और यहाँ पे जो थर्ड लेवल है, तो ये हम लोग को बहुत सोते लेजेंडरी में वाला हेलमेट आएगा, जो कि इस वाले आउटफिट साथ लिटरली काफ़ी एक अच्छा खासा यहाँ पर लुक देता है। तो भाई ग्लेशियर तो नहीं आ रहा है, पर फाइनली ग्लेशियर सेट हम लोग को फाइनली यहाँ पे कम बैक करने वाला है। उसके बाद देख सो तो एक और हम लोग को सेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि ये वाला सेट का भाई खास बात ये है कि इसमें हम लोग को एक इमोट देखने को मिल जाता है, जो कि ये वाला इमोट हम लोग को साउंड के साथ आता है भाई, लिटरली काफ़ी एक अच्छा खासा यहाँ पे बोल सकते हो कि ये वाला इमोट लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि ये वाली आउटफिट आपको कैसे लगी, और भाई इसका इमोट जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्यारा लगता है। सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये वाली जो आउटफिट आने वाली मिथिक फॉज में, तो भाई कौन कौन बंदों के यहाँ पे पसंद आने वाली है। तो ये वाली फाइनली हम लोग कन्फर्म है कि यही वाली आउटफिट हम लोग को मिथिक फॉज में देखने को मिल जाएगी। बाकी देख सो तो कुछ स्टेप्स इसका लुक वगैरह आने वाला ब्लैक एंड बोल सकते हो, थोड़ा सा ग्रीन कलर में होने वाला है। उसके बाद एक और सेट आने वाला, ये वाला तो नहीं आएगा। उसके बाद ये वाला जो पैन के बगल में, हाँ ये वाला जो सेट है ना हम लोग को बोल सकते हो, तो ये वाला सेट फाइनली हम लोग को कम बैक करने वाला, जो कि ये देख सो तो मिथिक आउटफिट होने वाला है। तो उतना कुछ खास तो नहीं है, पर इसका इमोट जो है ना लिटरली बैठने वाला, ये काफ़ी अच्छा खास यहाँ पे मतलब कि लुक देता है। तो ये वाला फाइनली हम लोग को ये भी आउटफिट हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे जो मिथिक फॉज आ रहा है तो उसमें हम लोग कम बैक करने वाला 100% यहाँ पे मतलब कन्फर्म है कि यही वाले आउटफिट आने वाले, जो जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और भी यहाँ पे कोई आउटफिट नहीं आ रहा, क्योंकि अब उसके बाद देख सो तो भाई कुछ स्टेप से इसका लुक वगैरह आने वाला। उसके बाद जो लास्ट वाला आउटफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो लास्ट वाला आउटफिट की बात करते हैं, ये वाला जो आउटफिट है तो ये हम लोग को फाइनली यहाँ पे फोर्थ वाला आउटफिट हम लोग को मिथिक फॉज में आने वाला, तो ये फाइनली हम लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सो तो कुछ स्टेप से होने वाला। तो ये नॉर्मल से यहाँ पे इमोट है और नॉर्मल से यहाँ पे आउटफिट है, उतना कुछ खास तो मुझे नहीं लगी, पर भाई मिथिक है तो लिटरली इसको तो निकालना बनता ही है। तो इसको बिल्कुल आप लोग फ्री में कैसे निकाल सकते हो, अभी 2 मिनट रुको, अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देख सो तो कुछ स्टेप से इसका लुक वगैरह आता है, जो कि ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लुक दे रहा है। तो आप मुझे कमेंट
करके बता सकते हो भाई जो चारों आउटफिट दिखाई है तो सबसे बेस्ट आउटफिट कौन सा लगा? मुझे तो पता है सभी बंदों के यहाँ पे ग्लेशियरिया मतलब पसंद आने वाली है। उसके बाद बात करते जैसे हम लोग 2.8 का अपडेट आएगा तो ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया था कि उस हम लोग को ट्रेजर क्रेट जो आएगी तो ट्रेजर में हम लोग को जो मिनी मेडल्स है तो उसको बहुत तो 18,000 बहुत सोते जो 1G कूपन्स होते हैं ना तो उसमें आपको एक मटेरियल बहुत सो तो बड़ा वाला मटेरियल मिल जाता है ठीक है। और सबसे बेस्ट बात ये कि जो हम लोग को इसमें बोल सकते हो जो मिथिक फॉर्स का एम्बलम आने वाला है फ्रेगमेंट्स का तो इसको आप लोग 200 AG बोल सकते हो 1G कूपन्स में आप लोग मतलब लिटरली कलेक्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे एक दिन में आपको मतलब 10 यहाँ पे बोल सकते हो जो हम लोग को सिल्वर जो मिथिक फॉर्स वाला जो हम लोग को एम्बलम है तो वो मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने 8 यहाँ पे परचेस कर लिया है तो आप लोग मतलब डेली यहाँ से बोल सकते हो कि मतलब एक बोल सकते हो 10 यहाँ पे जो मिथिक फॉर्स वाला मिनी वाला है यहाँ पे मिथिक फॉर्स वाला क्रिस्टल है तो यहाँ से मतलब कि कलेक्ट करके और आपको जैसे यहाँ पे कलेक्ट कर दो मतलब 30 जैसे आप लोग कलेक्ट करते हो तो एक बहुत मतलब एक बड़ा वाला आपको बोल सकते हो जो मिथिक फॉर्स वाला क्रिस्टल वो बन जाता है। तो चलो सिंपली आपको इन्वेंट्री में चल के आपको दिखाता हूँ ठीक है। अब देखो इन्वेंट्री में मैं आ चुका हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास अभी 17 यहाँ पे बोल सकते हो मिनी वाले जो फ्रेगमेंट्स है मिथिक एम्बलम वाले तो ये हम लोग को फाइनली यहाँ पे 8 है। जैसे आप लोग 30 कलेक्ट कर लेते हो तो 30 जैसे आपका हो जाएगा तो बोल सकते हो एक बड़ा वाला मिथिक एम्बलम बन जाएगा तो उससे आप लोग कोई यहाँ पे आउटफिट वगैरह जो मिथिक फॉर्स में आने वाले तो उसे आप लोग रिडीम कर सकते हो। तो यही ट्रिक है तो आप मतलब जितने एजी कूपन्स आप लोग बचा सकते हो तो भाई बचा के रखो क्योंकि 2.8 के अपडेट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है बहुत सारे मटेरियल्स निकालने में और भाई जो यहाँ पे मिथिक फॉर्स वाला क्रिस्टल आने वाला तो इसको भी निकालने में। तो आज के लिए बस इतना, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, टू की फैमिली जल्दी से आप लोग करा दो। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।